उदयपुर शहर के धान मंडी थाना क्षेत्र भोईवाड़ा निवासी भागीरथ नामक व्यक्ति ने मंगलवार को अज्ञात कारणों के चलते जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया है। हालात बिगड़ने पर परिजनों से एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आज उपचार के दौरान अधेड़ की मौत हो गई। परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर धान मंडी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मंडी थाने के एएसआई बिहारी लाल ने बताया कि मृतक अविवाहित था और प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। पिछले कुछ समय से आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से परेशान चल रहा था। हालांकि मृतक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है, इसी को लेकर मामले में जाँच की जा रही है। सर, आज सवेरे धान मंडी थाने पर प्रार्थी पुरुषोत्तम लाल भोईमाली ने थाने पर सूचना दी कि मेरे बड़ा भाई दिनांक 16/5 को घर में कोई अज्ञात जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसका हमें पता चलते ही हम उसको तुरंत परिजन हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जाने के पश्चात उसका इलाज करवाया 16 तारीख को, और आज सवेरे इसकी थाने सूचना सवेरे दी है थाने पर, जिस पर थाने पर मृत दर्ज हुआ है, जिसकी कार्रवाई हमारे SHO साहब कर रहे हैं। और इसको पॉइजन क्यों खाया, इसके कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी, परिजनों से खुलासा किया जाएगा। सुसाइड नोट वगैरह कुछ भी नहीं था। ये मृतक अविवाहित था, उसकी 57 साल की उम्र थी, शुगर पेशेंट था। उसके परिजनों ने जैसा बताया है, इस वजह अचानक क्या उसको ऐसा लगा उसने अपना जीवन को त्याग दिया है। इसके कारणों की जाँच हमारे SHO साहब रतन सिंह जी कर रहे हैं।